फ्रेश होने के बाद सुबह जब मैंने अपना वेट चेक करा तो मेरा वेट आया 70.50। तो डिटॉक्स करने का यही फ़ायदा होता है, 1 से 1.5 किलो 2 किलो तक वज़न जा सकता है। वो कौन सी डाइट है वो मैंने इस वीडियो से पहले अपलोड की थी और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। चाहे उसके बाद दिखा देती हूँ अपनी अर्ली मॉर्निंग ड्रिंक जो कि मैं 7 बजे तक ले लेती हूँ, बट आज थोड़ा लेट हो गया, 7:30 मैंने खाली वार्म वाटर लिया था। गुड मॉर्निंग दो जी, देखो सुबह के 7 बज रहे हैं और मैं यहाँ पर अपना मतलब बच्चे स्कूल जाएंगे ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ और खाली आज मैंने वार्म वाटर लिया है। और आप बेटा आपने देख लिया मेरा कल कितना गया है मतलब डिटॉक्स करने, मतलब ये बहुत अच्छी बात है जब हम डिटॉक्स करते हैं वेट अच्छे से जाता है। 700-800 या फिर 1 किलो, और एक मेरी क्लाइंट है उसका पूरा 2 kg गया है 71.20 से 69.59 है उनका, आप लगा लेना हिसाब। तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। वैसे वाटर वेट होता है स्टार्टिंग में जल्दी जल्दी आता है, बट ब्लोटिंग बहुत ज़्यादा हो रखी होती है वाटर वेट की वजह से। बाकी चलो अभी मैं अपना ब्रेकफास्ट बना रही हूँ और बाकी जो बातें होंगी मैं करूँगी आपसे बाद में। अच्छा जी, मेरे पास कमेंट आते हैं कि जैसे पोहा इडली वगैरह भी खा सकते हैं अपने ब्रेकफास्ट में, तो जी हाँ खा सकते हैं, पोहा भी इडली भी अपने ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में अवॉइड करना, ठीक है। बट मैं क्या करती हूँ, मुझे ये सब चीज़ें पसंद नहीं है, शुरू से ही आदत नहीं है खाने की। मुझे एग ऑमलेट पराठा वगैरह खाती हूँ, जैसे मैंने आज लिया ब्राउन ब्रेड, एक अंडा, साथ में चाय जिसमें मैंने शुगर फ्री टैबलेट ली थी। फिर बारी आती है मिड मॉर्निंग स्नैक की, तो यहाँ पर मैंने 1 बनाना ले लिया था। अगर आप बनाना ले रहे हैं तो शाम के टाइम, डिनर के टाइम ना लें, मिड मॉर्निंग स्नैक में या ब्रेकफास्ट में या फिर लंच में आप ले सकते हैं। और 3 बजे के बाद बनाना, मैंगोज वगैरह नहीं खाना चाहिए, वेट गेन कर देता है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मीठा भी होता है और काफ़ी ज़्यादा इसमें कैलोरीज होती हैं। फिर लंच में मैंने यहाँ पर देखो जी मैंगो शेक बनाया था, और मतलब मन नहीं होता मेरा कुछ खाने का तो मैं शेक, स्मूथी या फ्रूट चाट बना के खा लेती हूँ। अब बारी आती है इवनिंग स्नैक की। इवनिंग स्नैक में देखो जी मैंने ये रोस्टेड मखाने करके रखे हुए हैं, तो मैं ये खा लेती हूँ। मखाने बहुत अच्छे होते हैं, इसमें कैल्शियम, आयरन सब कुछ होता है और साथ में आपकी हड्डियों को भी मजबूत करता है। डिनर में मैंने ओट्स बना लिए थे, और ये बता दूँ ये मेरी पिछले महीने की वीडियो है, तो मैंने सोचा चलो यही डाल देते हैं, बट मैंने ओट्स खाए थे उसमें मिल्क वगैरह ऐड नहीं करा था, खाली मैंने वाटर से अपना ओट्स तैयार कर लेते हैं, उसमें 2 डेट्स डाली थी। फिर नाइट ड्रिंक में मैंने आज ज़ीरा टी ली थी, और नाइट ड्रिंक लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ये जो है ना पूरी रात पेट में आपका काम करती रहती है वेट लॉस करने वाला, तो इसको भी स्किप ना करें। नेक्स्ट डे, तो जी नेक्स्ट डे हो गया है, और देखो जी मैंने वेट चेक नहीं किया, सुबह उठी 7 बजे तो रूम टेम्परेचर का यानी डायरेक्ट आरओ का पानी लूँगी मैं, और मैं हमेशा लिमोनी ड्रिंक को चेंज कर करके ही लेती हूँ, और सही रहता है अगर आप एक ड्रिंक पे टिक जाते हो ना तो बॉडी को उसी चीज़ की आदत बन जाती है। तो ये जो है मैं 2 ग्लास लेने वाली हूँ, और सही रहता है अगर आपका मन नहीं है कुछ गर्म गर्म खाने मतलब पीने का, तो आप खाली रूम टेम्परेचर वाला भी पानी ले सकते हैं, 2 ग्लास आप पी लें अच्छे से, ठीक है जी, पेट एकदम साफ़ हो जाएगा। जिसको कॉन्स्टिपेशन है पानी पी लें अच्छा करके, नहा लूँ। फिर जी ब्रेकफास्ट में मैंने पनीर का सैंडविच बनाया था, इसकी रेसिपी मैंने काफ़ी बार शेयर कर रखी है, और काफ़ी सिंपल और ईजी होता है, और जिसको भी पिज़्ज़ा की क्रेविंग होती है ना वो ये वाला सैंडविच बना के खा ले। और आज ग्रीन चटनी नहीं थी तो मैंने ये केचप ले लिया, चलो कभी कभी चल जाता है। और फिर मिड मॉर्निंग स्नैक में देखो मैंने सुबह में चाय नहीं ली थी, तो मैंने मिड मॉर्निंग स्नैक में चाय ले ली, साथ में है रोस्टेड मखाने जो कि देसी घी में मैंने इसको रोस्ट कर रखा है। अब मैं दिखाती हूँ आपको लंच। लंच में देखो मैंने एक रोटी ली है, साथ में है पनीर की शिमला मिर्च की सब्ज़ी, और ये वो कौन सी दाल होती है, ये पचमेल दाल बिना छिलको वाली। तो ये रहा मेरा आज का लंच, क्योंकि मुझे अभी भूख लगने लगी थी तो मैंने सोचा चलो कुछ हैवी कर लेते हैं, रोटी छोटी खा लेते हैं, बट अगर मुझे भूख नहीं लगती ज़्यादा तो स्मूथी, सैलेड, कोल्ड कॉफ़ी, इसी पे मैं टिक जाती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर इवनिंग में अब इतना सारा खा लिया सुबह से, इवनिंग में क्या ही भूख लगेगी, तो मैंने क्या करा ग्रीन टी बना ली थी। ये वीडियो मेरी पुरानी है, मुझे ये अच्छी लगती है तो इसलिए मैं ये डाल देती हूँ, कभी कभी होता है ना वीडियो शूट नहीं कर पाते, मोबाइल में स्पेस नहीं होता या बैटरी नहीं होती,
ये डिनर में मैंने कैप्सिकम पनीर का सैलड बना लिया था। ये बहुत जल्दी वेट लॉस करता है, प्रोटीन भी काफ़ी अच्छा खासा होता है। अच्छा एक चीज़ कहना चाहूँगी, पनीर 60 ग्राम से ज़्यादा मत लेना, ठीक है, वेजिटेबल बहुत सारा लेना है। नाइट ड्रिंक में मैंने अजवाइन टी ली थी, तो ये था मेरा 2 दिन का। तो मैं कोशिश करती हूँ पूरा मतलब आपके साथ अपनी जर्नी शेयर करूँ मैं क्या क्या ले रही हूँ पूरा दिन में, और ये डाइट प्लान फॉलो करोगे आप तो 100% रिजल्ट मिलेंगे। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि किसने कितना वेट लॉस किया। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।